ंगर्स माइन चीमा वेलकम बैक विदर वीडियो दिस वीडियो इज अबाउट कैपिटल स्मार्ट रे इंटरचेंज जो उसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आज इंटरचेंज का फाइनल अप्रूवल आ गया है उस हवाले से है इस वीडियो में जो चंद चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा नंबर वन कि इंटरचेंज का स्पॉट उसकी लोकेशन और उसका जो मोटरवे फ्रंट जिसका परमिशन आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ऑफिशली अलॉट हो गई है उस हवाले से बताऊँगा नंबर टू कि इस इंटरचेंज का टेंडर किस कंपनी के पास गया है जाएगा नहीं गया है किस कंपनी के पास उसका बताऊँगा नंबर थ्री कि इस इंटरचेंज के बनने के बाद जो स्मार्ट सिटी के दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी भी मार्केट में वैल्यू रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं है उन पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा और आने दिनों में उसका ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी पे ओवरऑल इंपैक्ट कैसा होगा नंबर फोर कि इस इंटरचेंज बनने के बाद अगर हम पास्ट में कंपैरिजन करें कि जिन सोसाइटीज़ में इंटरचेंज बन चुका है फ्रॉम द पब्लिक रोड उन पर क्या चेंजेस आए थे और इसमें क्या चेंजेज आएंगे मैं उसका कंपेरिजन आपको साइड वाइज करके बताऊँगा कि हाँ पास्ट में जिन सोसाइटीज़ के पास इंटरचेंज है किसी भी पब्लिक रोड पर उनकी प्राइसेस में क्या इफेक्ट आया था और आज स्मार्ट सिटी में जो प्राइसेस हैं आज से तीन साल बाद मैं ये एक रिकॉर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ कि आज से तीन साल बाद ये वाली प्राइसेस जो हैं वो कहाँ पे जाके स्टॉक करेंगी टिल द एंड ऑफ थ्री इयर्स अब देखते हैं कि इस लॉन्ग टर्म में जाकर क्या चेंजेस आते हैं फॉर द टाइमिंग हम थ्री ईयर्स का टाइम स्पेंड रखते हैं सबसे पहले डिस्कलेमर ऑफ दिस वीडियो

स्टेटमेंट uh, देने से एज सच इनकार किया द रीज़न इज़ मैंने लेटर लेटर ऑन जब दोबारा कॉल की अपने उसी सोर्स को अबाउट द इंटरचेंज एंड इट्स इफेक्ट तो उन्होंने कहा कि इसका ऑफिशली अभी तक स्मार्ट सिटी को पब्लिसिटी इसकी अलाउड नहीं है टिल द टाइम इसका इंटरचेंज बन जाता है तो जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होगी वो मेरे जाती सोर्स से है बट दैट इंफॉर्मेशन इज़ हंड्रेड एंड करेक्ट क्योंकि उस इंफॉर्मेशन का मैं पिछले एक साल से अगेन एंड अगेन टैली कर रहा था बट आज वो इंफॉर्मेशन हंड्रेड परसेंट इन्फॉर्म ऑथेंटिक सोर्स से मुझे मिली है बिकॉज द ऑफिशियल विच गेव मी दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑन द हायर रैंक इन नेशनल हाईवे अथॉरिटी सबसे पहले बात करते हैं जी इंटरचेंज की जो लोकेशन है जो स्पॉट है वो कहाँ पे बनेगा और इस इंटरचेंज की लोकेशन या स्पॉट से आगे क्या चीज़ें डिफ़र करेंगी मैं सबसे पहले आपको गूगल अर्थ की लोकेशन की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंटरचेंज की एग्जैक्ट लोकेशन का स्पॉट क्या होगा और मोटरवे पे जो स्मार्ट सिटी का फ्रंट बनेगा इस इंटरचेंज के साथ वो फ्रंट कितना होगा और कहाँ तक होगा इस वक्त हम सिंह कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरऑल जो गूगल अर्थ लोकेशन का मैप है देख सकते हैं और इस गूगल अर्थ की लोकेशन के मैप के मुताबिक जो लोकेशन अलॉट हुई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कैपिटल स्मार्ट सिटी को वो लोकेशन जो है वो मोटरवे पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस्लामाबाद से लाहौर तो इस्लाम से निकलते वक्त आपका यहाँ पे तकरीबन थ्री थर्टी पॉइंट नंबर इस पॉइंट पे आता है अब ये जो पॉइंट है आई ऑपोजिट टू ये भी छाछ डैम आता है ये चीज जो है ऑलरेडी गूगल अर्थ लोकेशन पे है आप इसे ऑन ग्राउंड जाके टैली कर सकते हैं इस पॉइंट से 332 पॉइंट नंबर से अगर आप मूव करें आगे यहाँ तक तरीबन ये एरिया बनता है थ्री पॉइंट किलोमीटर्स का ये जो 3.7 पॉइंट किलोमीटर का फ्रंट है ये इस पूरे इंटरचेंज की लोकेशन के लिए वैलिड है अब इसमें 333 पॉइंट नंबर यहाँ पे आता है और 332 पॉइंट नंबर इस छाश डैम के ऑपोजिट आता है इसके दरमियान में स्मार्ट सिटी कहीं पे भी इंटरचेंज बना सकता है ये नंबर वन ये लोकेशन की जो लोकेशन है इंटरचेंज की इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा है क्योंकि मैंने लास्ट वीक इनफैक्ट फोर फाइव डेज पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने इंटरचेंज के हवाले से बताया कि ये स्पॉट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड लेवलिंग और ब्राउनिंग का काम हो रहा है और इस पे आने वाले दिनों में इंटरचेंज क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मंदवाल ब्रिज जो बना हुआ है और इस मंदवाल ब्रिज से पब्लिक एक्सेस है तो इस पर लूप होगी वो काफी आसान हो जाएगी अब थ्री से थ्री अगर मैं काउंट करूं तो, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस जो बनता है किलोमीटर का बनता है तो इस पूरे पॉइंट पर इंटरचेंज नहीं बन सकता ऑफकोर्स इसके तरीका कार कुछ यूँ होता है कि जब भी मोटरवे पर ट्रेवल करते हैं तो जैसे आपको कुछ साइन साइनबोर्ड नजर आते हैं जैसे कोई क्या आने लगता है या आगे कोई सिटी आने लगता है तो आपको एटलीस्ट दो किलोमीटर पहले या ढाई किलोमीटर पहले या तीन किलोमीटर पहले मोटर वे पे प्रॉपर बोर्ड नजर आते हैं कि थ्री किलोमीटर बाद चक्री रोड है या क्या तमाम तो है या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं तो उन बोर्ड्स के लिए ये वाला एरिया इस्तेमाल होगा इंटरचेंज की लोकेशन होगी 99.9 नाइन परसेंट शोर है कि वो इसी पॉइंट बनेगा क्यों बनेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक लूप बना हुआ है और इसमें बाद में एडिशन में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी अब आते हैं जी सेकेंड पॉइंट की तरफ कि इस इंटरचेंज की लोकेशन जो अनाउंस हुई है इस लोकेशन के साथ आने वाले दिनों में इस पर जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी वो कौन सी कंपनी करेगी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एफ़ का और बाकी जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनका इसमें क्या रोल है। इस हवाले से मैं डिटेल्स आपको आगे वीडियो में अगेन बैक ट्रेल टाइम के लोकेशन के लिए डायरेक्टली टेंडर अनाउंस नहीं होगा डायरेक्टली मोर एक सब्सिडि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर काम करती है, है वह यह है कि अगर मोर कंपनी अप्रूव करती है कंस्ट्रक्शन का आगाज करती है तो आने वाले साठ दिन के अंदर अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले तो नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्चुनेटली वो ईद से पहले ही ड्यूरिंग रमदान लास्ट इशरा उसका आपका नोटिफिकेशन आ गया है कि इसका ऑफिशियली इंटरचेंज जो है ईद के बाद इसकी मोस्ट प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन का आगाज हो जाएगा अब इस पॉइंट में कि इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने स्टार्ट में वीडियो की बात की थी डिस्क्लेमर कि जब सोसाइटी के ऑफिशियल से हमने इसको कंफर्म करने की मैंने कोशिश की फ्रॉम द जीएम एम मुजी खान और बाकी ऑफिशियल से तो उन्होंने इस पर कोई भी स्टेटमेंट इशू करने से इनकार किया उसकी जो सबसे बड़ी रीजन मेरी समझ में आती है क्योंकि मैंने दोबारा इसको एन के अपने सोर्स के पास कॉल की उनसे कन्फर्म करने की कोशिश की कि सोसाइटी के ऑफिशियल की तरफ से भी कोई रिस्पॉस नहीं है तो इज सिंपली कि अभी सोसाइटी को एक साल तक जब तक इंटरचेंज बन नहीं जाता इसकी मार्केटिंग की या ऑफिशियली इसको प्रमोट करने की इजाजत नहीं है, ये नहीं कहते हैं नहीं के बाद, को मार्केट तब कर सकती है, जब इंटरचे कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी इंटरचेंज बनने के बाद या कौन से ब्लॉक्स होंगे इस इंटरचेंज के बनने के बाद जो सबसे बड़े ब्लॉक होंगे वो होंगे एग्जीक्टिव डिस्ट्रिक्ट और ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट उसकी रीजन ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं मोटरवे के साथ बिल्कुल एडजस्ट है उससे करीब है इवन दो इनका ऑफिशियली अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई इनका मैप लॉन्च नहीं किया गया लेकिन चूंकि जो जमीन है मोटरवे के साथ इंटरचेंज बनने के बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है उसमें ओवरसीज डिस्ट्रिक्टी जिसको ऑलरेडी सेल किया जा चुका है डिस्ट्रिक्ट जिसको ऑलरेडी सेल किया जा रहा है इनमें होगी क्योंकि इन, हो इन ब्लॉक्स का सबसे ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट बनता है इंटरचेंज के साथ तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरी होंगे इस केस में वो ये होंगे नेक्स्ट इसके अगले मैं देखूंगा अगले तीन साल में इंटरचेंज बनने के बाद स्मार्ट सिटी की मार्केट रेपुटेशन या ओवरऑल जो स्मार्ट सिटी का मार्केट में नाम है वो किस तरह से होगा तो उसकी छोटी सी एग्जाम्पल है कोई भी सोसाइटी जिसको एक पब्लिक रोड पर पब्लिक एक्सेस रोड पर एक बड़ा इंटरचेंज मिलता है तो उसका रीज़न ये होता है कि उसका आने वाले दिनों में जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में उसके रेट्स में आते हैं सोसाइटीज़ जो होती हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको अक्सर वीडियोस में अपनी गुलबाग की एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि गुलबाग जो है वो एक खुली निशानी है सबके सामने कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो उसको वेरीफ़ाई कर सकता है एक टाइम था 2010, 2011, 2012 में जब गुलबाग में चार कनाल का प्लॉट आपको पचहत्तर लाख रुपए में मिलता था फार्म हाउस आज की डेट में वही प्लॉट जो है आपको तकरीबन साढ़े सात करोड़ से आठ करोड़ रुपये का मिलता है उसकी रीज़न जो है वो ये है कि उसको एक पब्लिक रोड पर एक्सेस मिली है गुलबाग अगर आप देखते हैं कि उसकी प्राइजेज टेन टाइम गई हैं विद इन टेन ईयर्स तो उसका एक रीज़न आपको आता है पब्लिक रोड का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि गुलबग के पास ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं हैं जो स्मार्ट सिटी के पास हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले जी गुलबर्ग का जो मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर अंटरपास है उस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की अगर विथ्थ की बात करें तो वो टू फोर्टी फीट है टू फोर्टी फीट वथ के साथ आप गुलबर्ग का अपना अटरपास अपना मेन बुलेवर्ड देखें तो वो टू हंड्रेड ट्वेंटी फीट है तो गुलबर्ग के पास टू ट्वेंटी फ़ीट मेन बुलेवर्ड और टू टू फोर्टी फीट की मेन एक्सेस से उसको इंटरचेंज मिला है तो उसकी प्राइजेज में टेन टाइम्स का इजाफा हुआ है अगर हम स्मार्ट सिटी का देखें तो स्मार्ट सिटी का अपना जो मेन बुलेवर्ड है तकरीबन थ्री हंड्रेड सॉरी फो हंड्रेड फीट का मेन बुलेवर्ड है जो ओवरसीज़ प्राइम का बुलेवर्ड है वो 300 फीट का है इसके अलावा जो मेन हम एम टू मोटरवे की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल वेट्स बनती है वो तकरीबन 360 फीट बनती है अगर 360 फीट के मेन बुलेवर्ड से या पूरे पाकिस्तान का जो सबसे मेन आर्टरी है जो कनेक्ट करती है पूरे पाकिस्तान को उस आर्टरी से अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है कैपिटल स्मार्ट सिटी को फोर फीट के मेन बुलेवर्ड से तो इसकी प्राइसिस का इफेक्ट गुलबर्ग से कहीं ज़्यादा होगा उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी मैंने आपको कहा कि ओवरसीज टू एंड एक्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट टू होंगे वो क्यों होंगे क्योंकि रीजनली वो सबसे ज़्यादा पास आते हैं अब मैं कुछ जो टाइम लैप्स यूज कर रहा हूँ ये पिछले एक साल के हैं जो स्मार्ट सिटी में डिफरेंट स्पॉट्स पर चेंजेस आए हैं इससे आपको काफी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि स्मार्ट सिटी सिर्फ प्रोमिसज नहीं बेच रहा कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ऑफिशल की तरफ से आज एन का अनाउंसमेंट हुई है। अगर ये दो साल पहले या साल पहले हो जाती तो डेफिनेटली स्मार्ट सिटी की आज मार्केट की सिचुएशन और होती लेकिन बेटर लेट दैन नेवर आने वाले दिनों में डेफिनेटली स्मार्ट सिटी की जो जो ओवरऑल मार्केट रेपुटेशन होगी वो कंपेरिजन टू तो किसी और प्रोजेक्ट के वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वो क्यों अच्छी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको गुलबा की एग्जाम्पल दी अगर टेन टाइम उसमें प्राइजेस का इजाफा हुआ है एक पब्लिक रोड से पब्लिक सोसाइटी को आने का तो आपको स्मार्ट सिटी का एडवांटेज जो है वैसे कहीं ज़्यादा होगा क्यों उसकी सबसे बड़ी रीज़न स्मार्ट सिटी की जो मेन बोलेवर्ड है वो फोर हंड्रेड फीट की है इससे पहले इस साइज़ की मेन बुलेवर्ड किसी और सोसाइटी के पास इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं है सेकेंड पॉइंट इसके स्मार्ट सिटी के पास एक अपना जाती तौर पर जो बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स है वो अवेलेबल है गुलबर्ग के पास पिछले पंद्रह साल में अभी कोई एक्चुअल ऑन ग्राउंड गोल्फ कोर्स नहीं है तो स्मार्ट गोल्फ कोर्स की अगर देखें अगर आप इस चैनल पर वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको रूटीन में गोल्फ कोर्स की कोई ना कोई अपडेट नजर आती होगी जिसे हेरेडाइन गोल्फ जो दुनिया में सबसे बड़ा नाम है गोल्फ का जिसने ट्रंप गोल्फ कोर्सिस और इसके अलावा दुनिया में जो बड़े बड़े गोल्फ कॉर्सेज हैं ओवरऑल जो डिज़ाइन किए हैं उसके हवाले से आपको पता चलेगा कि स्मार्ट सिटी में सबसे बड़ी बात की जो स्टेट ऑफ द आर्ट 18 होल पीजीएस स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स है वो किसी और सोसाइटी के पास नहीं है सेकंड इज के स्मार्ट सिटी में जो पेस है कंस्ट्रक्शन की यानी जो पेस है हमारा के अब आमतौर पर सोसाइटीज़ में क्या होता है जब सोसाइटी के मालिकान प्लाट्स सेल करते हैं उसके बाद प्लॉट के ओनर्स पे होता है कि वो प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कब करते हैं स्मार्ट सिटी में इसके ऑपोजिट है स्मार्ट सिटी में इसके ऑपोजिट कैसे है कि हर एक ब्लॉक के दौरान जो का मैप लॉन्च हुआ है वन का हर एक ब्लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन फार्म हाउस सॉरी प्लाट्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्मार्ट सिटी की तरफ से इट्सल्फ की जाती है ना कि किसी आउटसोर्स करके किसी इंडिविजुअल को आ जाता है कि वो अपने प्लाट्स कंस्ट्रक्शन करें जैसे स्मार्ट सिटी का पोजिशन रिसेंटली फोर अनाउंस हुआ तो थ्री फोर तो किसी इंडिविजुअल ने अभी तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं की अपने प्लाट पे आइडिया स्मार्ट सिटी को प्रीवियसली पाकिस्तान की पिछले बहत्तर तिहत्तर साल की हिस्ट्री के से पता आइडिया था ऑलरेडी कि यहां पे ऐसे होगा तो स्मार्ट सिटी ने हर एक ब्लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक पैच है जो ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है अपने विलास के लिए यानी कि लोग इट्स सेल्फ मेंबर्स प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन करें या ना करें सोसाइटी कभी भी आपको खाली नजर नहीं आ सकती अभी आपको आ, मैं जो टाइम लैप्स शामिल करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको आइडिया होगा आज की डेट में आप रिसेंटली वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं चैनल पे तो आपको चीज़ें बहुत डिफरेंट नज़र आती हैं आज की डेट में देख लें जाके ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और आज से एक साल पहले ये चीज़ें बहुत डिफरेंट थी ये वही जगह जहाँ पर स्कूल बन रहा था ये वही जगह जहाँ पे विलाज बन रहे थे अब ये विलाज जो है इनका मैं आने वाले दिनों में वीडियो पोस्ट कर दूँगा इसके इंटीरियर की अब इनकी कंस्ट्रक्शन भी मुकम्मल हो चुकी है इवन दो ये मॉडल विलाज हैं फॉर द गोल्फ कोर्स लेकिन जो चीज़ है और Real रियल है रियलिटी है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते तो स्मार्ट सिटी को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा वो ये मिलेगा कि इसकी जो सोसाइटी है वो कंपैरिजन टू एनी अदर सोसाइटी इन द पास्ट सबसे जल्दी आपको एक फुलफिल होती हुई यहाँ पे आपको एक लिविंग आती हुई नज़र आएगी लिविंग की सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि अभी साइड पर एक भी बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है या एक भी बच्चा यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं रहता लेकिन साइड पर अगर आप जाके देखें तो आपको एक स्कूल कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ मुकम्मल फिनिशिंग के साथ नजर आता है अभी साइट पे प्रॉपर कोई आ, लिविंग नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी साइट पे आपको ये चीजें बनने से आपको एक तासर मिलना चाहिए कि सोसाइटी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पे एक सिटी बनाने के मकसद से है ना कि कोई सोसाइटी डिलीवर करके अगले प्रोजेक्ट पे मूव करने के जैसे लाहौर में बहुत सारे बहुत लोग बात करते हैं कि लाहौर में जब स्मार्ट सिटी स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पर यहाँ से मशीनरी मूव हुई शायद यहाँ पर जो मशीनरी काम करी वो वो टोटली डिफरेंट मशीनरी है क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी है मोस्टली वो कटिंग और फिलिंग वाली है यहाँ पर क्योंकि जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि आपको एक फुटहार का सिलसिला मिलता है आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो खैरी मूर्त रेंज वाली चीज़ें मिलती हैं यानी कि आपको कहीं पर डिप्रेशन है कहीं पर पहाड़ है जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे तो वहाँ पर लाहौर में जो है वो टोटली लेवल लैंड है तो वहाँ पर सिर्फ डंपर चाहिए जो एक जगह से मिट्टी को उठाएँ दूसरी जगह पर फेंकें और उसके ऊपर से रोलर चाहिए जो उससे फिक्स करें स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं वो मशीनरी जो है वो सारा डिफरेंट लाइन पर काम कर रही है लाहौर में टोटली डिफरेंट है तो ये चीज़ें भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं आने वाले अगर आप तीन साल देखें तो आपको जब यहाँ पर साइड पर एक प्रॉपर लिविंग नजर आएगी मोटरवे के ऊपर एक प्रॉपर चेंज होगा मैंने आपको एग्जैक्ट स्पॉट भी बता दिया है इसके बाद स्मार्ट सिटी की रेप्यूटेशन जो मार्केट में है अभी ड्यू टू सर्टन रीजन क्योंकि पिछले डेढ़ दस साल से पाकिस्तान में वर्ल्ड में कोरोना पीरियड के दौरान भी अगर स्मार्ट ये चीज़ें चेंज आया है बाकी किसी सोसाइटी को देख लें तो किसी भी नियर बाय सोसाइटी में इतने मैसिव तादाद पे चेंजेस नहीं आए जिस तरह स्मार्ट सिटी में आए हैं तो ये चीज़ इस चीज़ को डिपेक्ट करती है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी जो है उसका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और जिन मेम्बर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या करना चाहते हैं तो उनको उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये स्मार्ट सिटी सोसाइटी जो है हर मेंबर को अपने डिलीवर टाइम पर जो भी टाइम फ्रेम गिवन होगा उस पेंशेला डिलीवरी करके इसको डिलीवर करेगी सबसे बड़ी जो रुकावट थी ओवर टू एंड एग्जैक्ट ट्रिप्टो की मैप ना लॉन्च होने की या डेवलपमेंट ना शो होने की प्रॉपरली ये रुकावट थी कि स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज एक मुश्किल में था लेकिन अभी तक बन नहीं पाया था अब चूँकि एक ऑफिशियली अप्रूवल आ गया उस इंटरचेंज का तो अब वो रुकावट भी दूर हो गई है आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी की ओवरसीज टू एंड एग्जीक्यूटिव टू की रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी बेहतर होगी एक बात और जिसको आजकल जबान जहाँ है वो रावलपिंडी रिंग रोड की मनसूखी जिसका इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है जिसका रूट चेंज होने का उन्होंने कहा कि प्लान नोटिस लिया है और उसके ऑफिशियली टेंडर्स रोक दिए हैं तो इसका रिंग रोड का ऑफिशियली पॉजिटिव इंपैक्ट स्टार्ट स्मार्ट पे डेफिनेटली होना था जब एक रिंग रोड पब्लिक रोड अब देखिए मोटरवे एक पब्लिक रोड है एम टू उस पर तो इजाफा होगा रिंग रोड की भी एक्सेस मिल जाती तो दूसरी बड़ी पब्लिक रोड होती जो पाकिस्तान में दो बड़ी पब्लिक रोड्स हैं एक है मोटरवे और दूसरी है रिंग रोड अगर दूसरी की एक्सेस भी मिल जाती तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट होता बट उसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ना होने के बराबर है क्योंकि अभी जब जब भी इंटरचेंज फ्यूचर में बनेगा तो स्मार्ट सिटी को जाहिर सी बात है नियरेस्ट होगी लेकिन स्मार्ट सिटी का जब अपना इंटरचेंज बन जाएगा तो उसको सेंटर सिटी जो कि इस्लामाबाद का दारकूमत जीरो पॉइंट पॉइंट है पॉइंट सलामत दारकूमत से उसका डिस्टेंस हार्डली फिफ्टीन से ट्वेंटी मिनट्स की ड्राइव होगी अगर मैं किलोमीटर में बात करूँ तो ऑफिशियली पुराना इंटरचिंग का डिस्टेंस तकरीबन थर्टी सिक्स पॉइंट वन किलोमीटर था न्यू इंटरचिंग का डिस्टेंस जो है अराउंड फोटी किलोमीटर प्लस माइनस है तो इस डिस्टेंस के साथ ऑटोमेटिकली स्मार्ट सिटी जो है वो कनेक्टिविटी लेता है जीरो पॉइंट से पंद्रह मिनट की ड्राइव पे अगर हम बात करें न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तो वहाँ से उसे ड्राइव की कनेक्टिविटी मिलती है तकरीबन फाइव मिनट्स पे अगर हम बात करें डायरेक्टली लाहौर की तरफ तो वहाँ से जाहिर सी बात ईजी कनेक्टिविटी है अगर हम पिशावर की तरफ बात करें यानी के पी के की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं पंजाब की तरफ डायरेक्ट जा सकते हैं इवन जो पंजाब से होते हुए आप आगे सिंध की तरफ या कराची की तरफ भी ईजीली एक्सेस ले सकते हैं तो ये स्मार्ट सिटी का अपना इंटेंशन बनने के बाद पहली स्टेट ऑफ द आर्ट सोसाइटी होगी जो मोटरवे के ऊपर होगी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास होगी और एक सेपरेट स्मार्ट सिटी है इसको इसका जो कॉन्सेप्ट शुरू में स्टार्ट किया गया था इसको तो इसको कभी भी सोसाइटी के तौर पर स्टार्ट नहीं किया गया था इसको एक पूरे सिटी के तौर पर स्टार्ट किया गया था डिज़ाइन किया गया था और इसको दुनिया की जो सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी डिज़ाइन करने वाली कंपनी जुरोंग उससे डिजाइन करवाया गया जस्ट बिकॉज इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना है, इसको पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेट करना है हाउसिंग का कि हाँ, ये होता है, ताकि आने वाले दिनों में जो भी सोसाइटीज़ बने पाकिस्तान में तो लोगों को एक एक स्टैंडर्ड सेट हो हो लाइन लाइन पता कि यस इस को हमने मैच करना है रिंग रोड से हट के जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि एयरपोर्ट क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज एयरपोर्ट की प्रेमिस में होती हैं पाकिस्तान में एक कल्चर है कि डेफिनेटली लोग उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं उनमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसका रेट्स काफी ज्यादा ईजिली जंप करते हैं अब चूंकि स्मार्ट सिटी का मोटर पर इंटरचेंज बन जाएगा और ऑटोमेटिकली फ्यूचर में आज से कुछ टाइम बाद जब रिंग रोड भी बन जाएगा तो स्मार्ट सिटी की एक्सेस कंपैरिजन टू तो एनी अदर सोसाइटी क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है बेसिकली ये गेटवे है कैपिटल का पाकिस्तान के गेटवे से मुराद है कि जिस भी इंडिविजुअल ने पाकिस्तान 22, 22, की अगर ट्वेंटी एट मिलियन की पॉपुलेशन है तो किसी ने भी अगर मैं काउंट करूँ तो वन मिलियन या वन मिलियन प्लस लोगों ने अगर जिंदगी में स्मार्ट सिटी या दारूमतमत यानी इस्लाबाद में आना है तो उनको स्मार्ट सिटी से गुजर के आना पड़ेगा तो स्मार्ट सिटी की सबसे ज्यादा अच्छी पॉइंट उसकी लोकेशन है जो एम टू पे वाक्य सो वो दिस इट फ्रॉम डे अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग के हाले से कुछ भी मूलूत चाहिए हो तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव डबल नाइन डबल नाइन डबल एट वन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़